नमस्कार दोस्तों, ये जो हम फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस बना रहे हैं मैथ्स के, उसका थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने शंकु, घन, घनाभ, बेलन, इनके फॉर्मूलाज का अपन ने देखा था, उनको इन पे चर्चा की थी। फॉर ओनली फॉर्मूलाज जैसे घनाभ और उसके अलावा घन, बेलन, गोला, पिरामिड, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, और जिनका पोर्शन मैथ्स का थोड़ा वीक है उन्हें ये ट्राई करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो हो। हमें जब हम इसके बारे में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन करने से ही जो इससे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है वो हम समझ पाएंगे। तो बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित और सरलता के साथ हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद देखकर किसी भी मैथ्स की जो बुक है एक्सरसाइज के लिए, आप उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, हम पहला प्रश्न लेते हैं। मित्रों, प्रश्न को समझना प्रश्न हल करने जितना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, पहला क्वेश्चन, इसका आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तीन क्वेश्चन बन गए हैं और इसके लिए ये वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। एल इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 12 और एच इक्वल्स टू 9। अगर इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो हम इस क्वेश्चन को इमीडिएट कर सकते हैं। हमने फॉर्मूलाज देखे थे, ये देखिए हम वापस देख लेते हैं। जैसे घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, घनाभ के आयतन का सूत्र है LBH, आधार का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हम देखते हैं सिंपली 20 गुणा 12 गुणा 9। कैलकुलेशन में फ्रेंड समय ज़्यादा लग जाता है तो मैं अलग से कर रखी है, उसी को लिख रहा हूँ, और ताकि टाइम अपना बच सके। तो इनका अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वो 2160 वैल्यू आती है। हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं इसलिए क्यूब में होगा, और यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना पहला उत्तर हो गया, एक सिंपल सरल प्रश्न का पहला। सेकंड है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला पिछली बार देखा था, वापस से हम देख रहे हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों ओर की दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत व फर्श का क्षेत्रफल, हमने ये कैसे हुआ ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फाइनली हम देखते हैं ये जो वैल्यू है वो है, ये है 2 इंटू एल इंटू एच, एच इंटू बी या बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, तीनों का आपस में गुणा एक सीरीज के साथ, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, जैसे यहां लिखें 2 एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, एक सीरीज में अपन देख सकते हैं। इसमें अपन वैल्यू रख लें, जैसे 2 इंटू बीस इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 20। इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1056, 1056। ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा, क्या वैल्यू है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे 1056 सेंटीमीटर, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली 1056 और 1056 cm क्यूब। हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी गलती और कर सकते हैं, ये संभावना रहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए।
विकर्ण का भी एक सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जिसे हमें याद करने हैं। हमने देखा आयतन का फॉर्मूला, हमने देखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और लास्ट विकर्ण घनाभ का ये तीसरा फॉर्मूला। ये इस क्वेश्चन में घनाभ के तीनों फॉर्मूलाज आ गए हैं। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को उसके आधार पर ही हम करते हैं। जैसे एल की वैल्यू हमारी है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल की वैल्यू बीस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये वैल्यूज ऐसी होती हैं कि इनका आंसर निकल जाता है 400 प्लस 144 प्लस 81 रूट 625 25 सेंटीमीटर आंसर। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। हमने फॉर्मूलाज पुट किए और उसके अंदर जो वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने आंसर निकाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन घन को लेकर है। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करना है। आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण, तीन पॉइंट्स ये दे रखे हैं। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल जो फॉर्मूला हमने चर्चा की, उन तीन फॉर्मूलों को अगर हमें याद है, इन तीनों के, जैसे घन का आयतन ए क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला 6a² और विकर्ण जिसका फॉर्मूला है √3a, इन तीनों फॉर्मूलाज में जो लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और अपने आंसर सिंपली निकल जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसे हम कर रहे हैं। पहला है जैसे आयतन, आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब, 8 का क्यूब, 8 × 8 × 8, और इसका आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर में है और आयतन है इसके लिए इसका घन हो जाएगा। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 फलक होते हैं सभी वर्गाकार। दूसरा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है और एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 6 फलक होते हैं जिसका फॉर्मूला 6a² हम इसमें वैल्यूज रखें 6 × 8 × 8 इक्वल्स टू 384 क्षेत्रफल है, स्क्वायर में आएगा और जो आपकी इकाई दे रखी है 384 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार तीसरा विकर्ण, हम सिर्फ फॉर्मूला में जो वैल्यूज रख रहे हैं और उसका आंसर निकल रहा है। सिंपल क्वेश्चन लेकिन प्राइमरी क्वेश्चन है, इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। घन का विकर्ण जिसका फॉर्मूला हमने देखा था √3a और इसका आंसर होगा जैसे 8 ए की वैल्यू और √3 को वापस सॉल्व ना करें और इसका आंसर इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन में है उस बेस पे अपन इस चीज को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन से पहले घनाभ पे एक आधारित प्रश्न किया, फिर घन पे आधारित प्रश्न किया, ये प्रश्न बेलन पर आधारित है। तीनों प्रश्नों में सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूलों पे चर्चा की थी फिर से आप देखिए। ये देखिए बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ ये, इसका क्षेत्रफल 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल प्लस ऊपर और नीचे का
टू पाई आर प्लस दो बार वृत्त हैं तो टू पाई आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो गया टू पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर। ठीक है, तीसरा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार जो आधार का क्षेत्रफल नीचे वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई एच। हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसकी लंबाई दे रखी है या जिसे हम ऊंचाई कह सकते हैं और उसकी त्रिज्या दे रखी है। पाई का मान हमारे पास होता है और आगे टू है, तो हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। पहली हम बात करें अगर आयतन की, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 को अपन 7/2 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, उसकी हाइट है 80। इसको अगर हल करेंगे इसका आंसर आएगा 3080। आयतन है क्यूब में होगा, वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पहला गया। दूसरा है वक्र पृष्ठ, हमने देखा वक्र पृष्ठ जो ये वाला मेन पर बेलन में ये वाला वक्र पृष्ठ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 2πRh। हम वैल्यूज इसमें भी पुट कर देंगे, 2 × 22/7 × 7/2 × h, h है आपका 80। इसको आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1760। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में और जो इकाई दे रखी है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि जैसे हमें ये बेलन है इसका हमें क्षेत्रफल हमने निकाल दिया जो है 1760 सेंटीमीटर। अब इसका और इसका निकालना है, इसका अपन कर सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, जिसके अंदर आर की वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 × 7/2 इस प्रकार से निकाल कर दो बार, तो इसे दुगना इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसका जो आंसर आएगा उसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास है और ऊपर और नीचे का जो क्षेत्रफल है दोनों समान है, दोनों वृत्तीय है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, दो का 2πR², तो आर की वैल्यू रख के इसका मान निकाल सकते हैं और इस मान के साथ जोड़ेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा जो 1837 होगा। अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ का वही बात हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम पूरा फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा 2πRh प्लस 2 × πR² और इसको हम हल करके 2πRh+R, इसमें अपन वैल्यू रखें, काम यही हो रहा है, हम 1760 या वापस निकाल रहे हैं ये, और लेकिन इसको करने से क्या फायदा है कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, उसमें हमने वैल्यू रख दी और उसका आंसर निकल जाएगा 2 × 22/7 × 7/2 कोष्ठक के अंदर 80 + 7/2। इसे हम फिर हल करेंगे तो इसका आंसर भी 1837 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मित्रों ये बात समझना, हम क्या कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया, ऊपर और नीचे इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, आंसर वही आएगा, या हम संपूर्ण एक फॉर्मूला लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन घनाभ, उसका आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उस पर आधारित था, दूसरा घन पर आधारित और तीसरा बेलन पर आधारित। हम ये सरल प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ अपन इस लेवल को और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शंकु पर आधारित है। क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति मित्रों शंकु की है, इसके अंदर आधार की त्रिज्या ये वाली
ये वाली इस वृत्त की ये त्रिज्या, इसकी वैल्यू दे रखी है 21। ये ऊंचाई, ऊंचाई सेंटर पॉइंट से जो इसकी हाइट है, ये हाइट है आपकी 28 h, ये r और ये आपकी h, ये दो दे रखी है। अब इसका आयतन, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का ये जो सामने दिख रहा है नीचे वाला घिरा नहीं, ये नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा फिर संपूर्ण पृष्ठ, ये प्लस ये, तीन क्वेश्चन है। इनको अपने को इनका मान निकालना है। हमने इनको भी फॉर्मूलाज में देखा था, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, शंकु का आयतन हमने देखा एक बटा तीन, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहाँ आधार एक सर्कल में है तो उसका आधार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और उसकी हाइट आर हमें दे रखा है और एच हमें दे रखा है, तो हम शंकु का आयतन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल, एक अलग टर्म है एल लेंथ, ये एल दोस्तों ये वाली है, इसे एल कहेंगे ये। अब ये एल कैसे फाइंड आउट हो, पाइथागोरस प्रमेय से। हमारे पास एच है, मैं फिर से इसको बनाता हूं, हमारे पास एच दे रखा है हाइट और हमारे पास आर दे रखा है, ये एक समकोण बनता है। ये जो त्रिभुज है इसमें ये और ये, इन दोनों के आधार पर हम ये तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर बराबर रूट कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर, आधार है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। अपने रूट को स्क्वायर को इधर रूट बना दिया तो आर की जो वैल्यू है 21 और हाइट एच की वैल्यू 28, इसका अगर अपन रूट करेंगे तो रूट 1225 आंसर 35 सेंटीमीटर। हमें एल फाइंड हो गया, एल बराबर 35, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हमें कहां से फाइंड आउट हुई, हमें हाइट दे रखी थी और हमें त्रिज्या दे रखी थी क्वेश्चन में, इन दोनों के आधार पर हमने एल फाइंड कर लिया। इसका उपयोग कहां आया हम फिर से देखते हैं। शंकु के आयतन में इसका उपयोग नहीं है क्योंकि शंकु के आयतन का फॉर्मूला एक बटा तीन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एल नहीं आता है। आयतन के लिए हम तिर्यक ऊंचाई नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न से ये आयतन हल हो सकता है, किंतु जब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए तिर्यक ऊंचाई आवश्यक है। तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पाई आर की वैल्यू 21 अपने पास है और एल की वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली है जो 35 निकली अपनी। ठीक इसी प्रकार शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर के आई एल की वैल्यू प्लस ये जो नीचे का क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर अपन ने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। हम अब अपने पास वैल्यू तीन वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू 21, एच की वैल्यू 28 और एल की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू 35। इन तीन का उपयोग कर हम इन इस प्रश्न का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों का अपन हल करेंगे, ठीक है। शंकु का आयतन पहला, उसका फॉर्मूला हमने देखा एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, हमने इसमें वैल्यू रख दी एक बटा तीन इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 गुना 21 गुना हाइट 28, इसको हल किया तो इसका आंसर आया 12,936
सब सेंटीमीटर में है और आयतन है इसलिए क्यूब। अब नेक्स्ट अपना आता है वक्र, शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल। वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला हमने देखा, उसका फॉर्मूला था पाई आर एल, पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू एल। अब ये एल अपने को फाइंड करना था, जो अपन ने आर और एच की हेल्प से कर दिया, इस शंकु के अंदर इस एल को फाइंड कर लिया इस एच और इस आर की हेल्प से, ठीक है। और उस एल की वैल्यू थी अपनी 35। ये यहां काम आ रही है वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल और संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल में फाइंड करने की। तो इसका आंसर आता है आपका 2310 क्षेत्रफल है स्क्वायर में और जो इसकी इकाई है। ठीक इसी प्रकार शंकु का संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल वो है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल की तो वैल्यू हमने देखी ये है 2310 प्लस इसको अपन सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21। इसको और इसको अपन जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शंकु का संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमें एक आवश्यकता पड़ती है एल की, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई की, और ये हमें फाइंड करनी होती है आर और एच जो गिवन होता है, या और भी पैटर्न हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर आधारित है। अगर उसका क्षेत्रफल दे दे उस त्रिभुज का, या किसी और प्रकार से हमें तिर्यक ऊंचाई फाइंड करनी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने घन, घनाभ, बेलन और शंकु चार पर आधारित सिंपल आयतन और वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल के उदाहरण देखे। हम आगे इसमें कुछ और स्तर के साथ और प्रश्न करेंगे। थैंक यू।